हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मुझे पता था आप सब जो सवाल कर रहे हो दिसंबर का रिजल्ट को लेके, और वो करना ही करना है सबको, मुझे पहले से पता था। तो मैं अभी वीडियो ऐसे ही मतलब चल रहा है समझ लो, तो ये इम्पोर्टेंट था। आप सब बहुत सवाल कर रहे थे दिसंबर का रिजल्ट कब आएगा, कई सारे सवाल हैं आपके, दिसंबर का रिजल्ट कब आएगा और फरवरी जो एग्ज़ाम होने वाला उसके बारे में पूछते हो कि एग्ज़ाम कब होगा, जनवरी में क्यों नहीं हुआ, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब बातें पूछते हो आप सब। इस वीडियो में आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बात करते हैं मतलब दिसंबर वालों का रिजल्ट, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा सवाल बहुत कर रहे हो आप लोग, टाइम भी आ गया। वैसे तो वैसे ट्रिपल सी का रिजल्ट क्या होता है कि एक महीने बाद आता है, हमेशा मैं देखा हूँ एक महीने बाद आता है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, थोड़ा बहुत जल्दी आ जाता है, यही होता है। तो इस बार भी एक महीने तो होने वाला है, मतलब 13 दिसंबर तक एग्जाम चला था, मतलब 13 जनवरी तक आपका मतलब माना जाएगा कि एग्जाम भाई एक महीने होगा। तो उसके बाद ही आप लोग सवाल करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, उसके पहले उसे उम्मीद यही आ जाएगा, ना आए उसके बाद आ जाएगा, एक दो दिन बाद 15 तक आ जाएगा, बस इतना समझ चल रहा है सबका। ना आए तो और थोड़ा दो तीन दिन, इधर ज्यादा अब लेट नहीं होने वाला, 2-4 दिन में के अंदर अंदर रिजल्ट 100% आ जाएगा, इतना समझ चल आप लोग सब कुछ। और एक बात जान लो, आप लोग को सीक्रेट में बता दूं कि मुझसे पहले आप सबको पता चलेगा रिजल्ट के बारे में। क्यों आप लोग ये सोच रहे हो, क्योंकि आप रिजल्ट का क्या होता है, मैसेज भेजते हैं फोन पे, मैसेज आता है, रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा वैसे उससे पहले ही आपके पास मैसेज मिल जाएगा। एडमिट कार्ड को लेके मैसेज नहीं आता, लेकिन रिजल्ट को लेके मैसेज जरूर आता है, और आप लोग को जैसी मैसेज आए मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, इतना जान के चलना सबको, ठीक है। आप लोग जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से आपको मतलब डाउनलोड करना देखना रिजल्ट, ये सब बता दूंगा, और सबको पता चल जाएगा, जिसको जिस किसी किसी बात मैसेज आए सूचना मिल जाएगी सबको, है ना। तो सब कुछ बताना मुझे आप लोग। जनवरी में क्यों एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि जनवरी में कभी एग्जाम होता नहीं है, जनवरी और जुलाई दो महीने में एग्जाम नहीं होता है। इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जनवरी में ओ लेवल का एग्जाम होता है, जनवरी जुलाई दोनों में ओ लेवल का एग्जाम होता है, मतलब जनवरी में ओ लेवल का एग्जाम हो रहा है इस बार, इस वजह से नहीं होगा ट्रिपल सी का एग्जाम, तो उसका टेंशन नहीं लो। जो लोग नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में अप्लाई किए थे, याद रख लो ध्यान से, नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में जो लोग अप्लाई किए थे उनका एग्जाम फरवरी में होगा, फरवरी के पहले शनिवार से एग्जाम शुरू होगा। यही रूल है ट्रिपल सी का कि फर्स्ट सैटरडे एवरी मंथ क्या होता है, फर्स्ट सैटरडे से एग्जाम स्टार्ट होता है। तो इस बार भी वही होगा, कभी कभी लेट भी हो जाता है, इस मतलब 100% नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन रूल यही है। तो फर्स्ट सैटरडे एग्जाम स्टार्ट होगा, और एग्जाम स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आता है आप सभी का, मतलब नोटिफिकेशन एक हफ्ते पहले आ जाएगा, 4-5 दिन पहले मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगता है, ठीक है। ये जानकारी थी। और पूछते हो क्लास कब से स्टार्ट होगा, तो पहली बात तो देखो, जितना मास्टर क्लास है, टोटल 11 मास्टर क्लास है, 50-50 प्रश्न सब में हैं, तो 550 प्रश्न ये आपको पढ़ लेना है पूरा, इतने में आपको बहुत फायदा होगा, इतना समझ चलना। और मैं लाऊंगा वैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वही क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस बता दिया हूं मैं, वही क्वेश्चन आप समझ लेना कि बहुत सारे लोग वेबसाइट वाले चैनल वाले सब वही क्वेश्चंस ले लेके आपको बताएंगे, इससे अच्छा उससे पहले अपना बढ़िया से मतलब कर लो सब, ठीक है, पढ़ाई तैयारी अच्छे से कर लो, ट्रिपल सी फुल कोर्स, मास्टर क्लास, और भी इंटरनेट के क्वेश्चंस, ईमेल के क्वेश्चंस, और मतलब जो भी मिले लिब्रो ऑफिस पूरा मतलब कंप्लीट करना है आपको, सब कुछ तैयार कर लिए ना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपका, 100% बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए सीरियसली आके पढ़ लेना प्लेलिस्ट सब कुछ, और कोई सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बहुत जल्द मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, वैसे 10-11 से स्टार्ट करने वाला हूं मैं, उसका फिक्र मत करो। फिर बस यही छोटी जानकारी आपको देनी थी, वीडियो पसंद आए सब लोग लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।